मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज 2025 तक आत्मनिर्भर उत्तराखंड सम्मेलन होगा। राज्य को अगले 5 सालों में अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए नीति आयोग समेत कई विशेषज्ञ सम्मेलन में मंथन करेंगे। मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता मिलन सभागार में सुबह उद्घाटन सत्र को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी, केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू और अपर मुख्य सचिव नियोजन मनीषा पवार और नियोजन सचिव बीबीआरसी पुरुषोत्तम भी संबोधित करेंगे। तो ऐसे में आज आपको बता दें कि सीएम आवास में ये सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और आपको बता दें कि 2025 तक आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज आत्मनिर्भर सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, साथ ही 2025 तक आत्मनिर्भर उत्तराखंड सम्मेलन ये होगा और राज्य को अगले 5 सालों में अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो है नीति बनाई जाएगी और काम इस पर ज़्यादा किया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये सम्मेलन होने जा रहा है। साथ ही आपको बता दें के नीति आयोग समेत कई विशेषज्ञ सम्मेलन में मंथन भी करेंगे। और इसी पर चलिए ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष कौर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, आज ये उत्तराखंड आत्मनिर्भर बनने की ओर एक अहम कदम उठाया जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे, क्या कुछ अपडेट अभी आपके पास है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है और इसी कड़ी में आज जो आत्मनिर्भर जो कार्यक्रम है उसका आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर सुबह 9 बजे से शुरू कर दिया गया, जिसकी अध्यक्षता खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। खास तौर से अगर इस पूरी बैठक की बात की जाए तो इसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ ही उत्तराखंड के जो बहुचर्चित चेहरे हैं, चाहे वो पद्म भूषण अनिल जोशी हों या फिर अन्य कई चेहरे जो कि समाज हित में काम करते हैं, समाज के लिए बेहतर काम करते हैं और चाहते हैं कि मैदान से लेकर पहाड़ तक जो आत्मनिर्भरता है लोगों की वो बड़े, लोगों को रोजगार मिले, लोगों का विकास हो, तो इस पर मंथन किया जाएगा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि अगले 5 सालों में किस तरीके से पहाड़ का विकास किया जाए, किस तरीके से मैदान के उन क्षेत्रों का विकास किया जाए जहां सुख सुविधा और बेहतर सुविधा सरकार की तरफ से नहीं पहुंचाई जा सकती और उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश राज्य सरकार 2025 तक पूरा करना चाहती है, ताकि लोगों को पलायन ना करना पड़े, लोगों को परेशान ना होना पड़े और जिस तरीके से लगातार पहाड़ खाली हो रहे हैं उत्तराखंड के, उन पहाड़ों में लोग फिर से बसे, फिर से वहां रोजगार उपलब्ध हो और फिर से एक बार कहा जा सकता है कि पहाड़ों की जो रौनक है वापस ला सके, ऐसे प्रयास लगातार राज्य सरकार कर रही है। और यही कड़ी है कि सुभाष, ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है जनता में विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि 2025 तक बीजेपी रहेगी उत्तराखंड में और जनता के लिए साफ तौर पर काम करेगी। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2025 का टारगेट लेकर सरकार चल रही है, यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि सरकार चाहती है कि जनता उनको एक बार फिर से चुने और उनकी सरकार प्रदेश में बनाए, ताकि आगामी दिनों में वो सरकार जनता के लिए बेहतर काम करे, उन लोगों को रोजगार दे। लेकिन कहा जा सकता है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की जो योजनाएं सरकार बना रही है, कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर सरकार लेना चाहेगी चुनाव के समय पर, लेकिन देखना होगा कि जनता इन वादों को किस तरीके से समझ पाती है, क्योंकि 2017 में भी इसी तरीके के वादे भाजपा सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में रखे थे और कहा था कि पहाड़ों से पलायन रुकेगा, पलायन आयोग बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक अगर पलायन की बात करें तो पलायन लगातार जारी है, लोगों को नौकरियों के लिए दूर दराज जाना पड़ रहा है, चाहे वो देहरादून आए, दिल्ली आए, नोएडा आए या फिर कहा जा सकता है मुंबई जैसी स्मार्ट सिटियों में लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं, लेकिन आज भी उन लोगों को पहाड़ में रोजगार नहीं मिल पा रहा, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही, और यही कारण है, यही फेलियर है राज्य सरकार का कि सरकार 2000
25 का मॉडल अब जनता के सामने पेश करने की कोशिश कर रही है। जी पारुल, बिल्कुल सुभाष, और देखिए कहीं ना कहीं ये आत्मनिर्भर उत्तराखंड सम्मेलन की शुरुआत तो हो रही है, चुनौती कहीं ना कहीं सरकार के सामने बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि देखिए जो मुद्दे लगातार आप गिना रहे हैं कि स्वास्थ्य हो गई, शिक्षा हो गई, रोजगार हो गया, ये तमाम परेशानियां पिछले 21 सालों से चली आ रही है उत्तराखंड में, तो ऐसे में अगले 5 साल में किस तरह से इन समस्याओं को हटाना होगा, पूरा करना होगा जनता की मांग को, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए। जी पारुल, जैसे कि आपने बोला कि पिछले लगभग 21 सालों से ये समस्या पहाड़ों में रही, लेकिन सरकार चाहती है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे वो जिस तरीके की नीति आयोग के उपाध्यक्ष जिस तरीके से पहुंचे इस बैठक में, उसके अलावा अनिल जोशी पहुंचे जो पर्यावरण विद हैं, तो कहा जा सकता है इन लोगों की सूझबूझ, इन लोगों का जो दिमाग है उसको सरकार इस्तेमाल करना चाहती है, उनके जो विजन है उनको सरकार लेना चाहती है और कोशिश कर रही है कि उन लोगों के विजन पर वो फिर एक बार 2025 तक पहाड़ों को सुंदर बना पाए, सुरक्षित बना पाए, बेहतर बना पाए। लेकिन ये कब तक पूरा होगा ये कहना साफ नहीं होगा, क्योंकि 2022 के चुनाव नजदीक है, चुनाव के मैदान में सरकार को उतरना और चुनाव लड़ने के बाद किस तरीके के नतीजे आते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन बड़ी चीज ये है कि पिछले 5 सालों में सरकार ने जो योजनाएं जनता के लिए लाए, जो बड़ी चीजें पहाड़ों के लिए लाए, वही चुनाव में फायदा उनको दिला सकती है। इस तरीके की लोभ लुभावने वाली बातें लगता है कि अभी सरकार को कहीं ना कहीं फायदा नहीं दिलाएंगी, लेकिन सरकार चाहती है कि इस तरीके की योजना बना के, इस तरीके की रणनीति बना के कहीं ना कहीं जनता के बीच जाया जाए, ताकि जनता उनको एक बार फिर जिताकर विधानसभा पहुंचाए। जी पारुल जी, ठीक है सुभाष, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड आत्मनिर्भर सम्मेलन का आज आयोजन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, और मुख्य तौर पर इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि 2025 तक उत्तराखंड को किसी भी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी भी करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि 9 बजे से ही कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिसके चलते आज 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहित रैली भी निकालेंगे। इसी के साथ ही तीर्थ पुरोहित काला दिवस भी मनाएंगे और सचिवालय कूच कर सरकार पर दबाव भी बनाएंगे। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचेंगे, वहीं देहरादून में प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी भी मंथन में जुटे हुए हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें, तीर्थ पुरोहित जो है रैली निकालेंगे, लगातार तीर्थ पुरोहित अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। काला दिवस तीर्थ पुरोहित तरफ से आज मनाया जाएगा। तो आज एक बार फिर से आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहितों की तरफ से ही काला दिवस मनाया जाएगा, और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष, जिस तरह से देखा जाए तीर्थ पुरोहितों की मांग पिछले काफी समय से चली आ रही है, लेकिन देखिए सरकार की तरफ से 30 नवंबर तक का समय दिया गया था कि 30 नवंबर तक कोई ना कोई समाधान निकाल लिया जाए, लेकिन फिर आज 27 नवंबर को काला दिवस तीर्थ पुरोहित क्यों मना रहे हैं? जी बिल्कुल, तीर्थ पुरोहित लगातार पिछले लंबे समय से विरोध देवस्थानम बोर्ड का करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि जब से देवस्थानम बोर्ड बना था त्रिवेंद्र रावत सरकार में, तब से ही चारों धाम के जो तीर्थ पुरोहित थे वो काफी नाराज सरकार से चल रहे थे, और खासतौर से एक बड़ी नाराजगी उनकी देखने को मिली थी कि जिस तरीके से केदारनाथ धाम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे थे, उन्हें मंदिर में दर्शन करने की अनुमति तीर्थ पुरोहितों द्वारा नहीं दी गई, उन्हें ये कहा जा सकता है कि केदारनाथ धाम परिसर में भी पहुंचने की अनुमति नहीं दी, उनका विरोध किया गया और उन्हें वापस भेज दिया गया। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी उसके बाद केदारनाथ धाम पहुंचे थे और तीर्थ पुरोहितों ने चेतावनी दी थी सरकार को कि वो पीएम मोदी को भी दर्शन करने नहीं देंगे, जिसके बाद सरकार ने 30 तारीख यानी 30 नवंबर तक का समय मांगा गया था और कहा गया था कि 30 नवंबर तक इस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर वो आगे का फैसला लेंगे। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन में किसानों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, उन्होंने जिस तरीके से अपना आंदोलन करके बिल को वापस लिया, तीनों कृषि कानून वापस हुए, उसी तर्ज पर देवस्थानम बोर्ड के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो चाहते हैं कि राज्य सरकार भी अपने इस फैसले को जल्द से जल्द वापस ले, क्योंकि जल्द ही आचार संहिता लग जाएगी और ऐसे में ये जो बोर्ड है वो भंग नहीं हो पाएगा। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है सरकार इस बात पे अड़ी है कि 30 तारीख तक का हमें समय दिया जाए, हमारी जैसी बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो हमारे पास पहुंचेगी, उस पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद
कोई अगला फैसला लेंगे। लेकिन उसी कड़ी में आज पुरोहित हैं, वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद है और कहा जा सकता है कि राजधानी में वो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन अपना करते हुए नजर आएंगे और काला दिवस के रूप में आज का दिन वो मनाते हुए भी नजर आएंगे। बिल्कुल सुभाष, लेकिन बड़ी देखिए संख्या सरकार में की जो तरफ पीड़ित से लगातार पुरोहित ये मांग की गई है, ये कहा गया है कि 30 नवंबर तक का समय हमें दिया जाए, लेकिन अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? क्या लग रहा है कि सही में 30 नवंबर को देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल पारुल, ये एक बेहतर सवाल हो सकता है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि सरकार ने जो बोर्ड का गठन किया था, एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें पीसी ध्यानी को अध्यक्ष बनाया गया था, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इस बोर्ड की निगरानी करे और तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात कर जो उनकी मांगे हैं, जिस तरीके की परेशानी इस बोर्ड में उनको दिख रही है, उनको सुलझा लिया जाएगा और बोर्ड को लगातार चलाया जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से कहा जा सकता है, तीर्थ पुरोहित कह रहे हैं कि बोर्ड को ही भंग किया जाए, तो उस पर चर्चा की जा रही है बोर्ड की तरफ से, और बोर्ड की रिपोर्ट जैसे ही सरकार को मिलती है, कैबिनेट को मिलती है, कैबिनेट उस पर चर्चा करेगी और कैबिनेट की चर्चा के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार जो देवस्थानम बोर्ड है उसे भंग किया जाता है या उसमें कुछ संशोधन किया जाता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि संशोधन से जो तीर्थ पुरोहित हैं वो खुश नजर नहीं आएंगे और उनका विरोध लगातार जारी रहेगा, जैसा उनका कहना है। उनकी पूरी तरीके से मांग है इस बोर्ड को पूरी तरीके से भंग किया जाए, और जिस तरीके से पहले चार धाम यात्रा चलाई जाती थी, जिस तरीके से चार धाम यात्रा में जो श्रद्धालु आते थे, उसी तरीके से सभी चीजें अभी भी चलाए जाए ताकि जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके हक हकूक के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। जी पारुल बिल्कुल सुभाष, और देखिए जिस तरह से अगर दिसंबर के शुरुआती दिनों की बात कर ली जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड में पहुंचेंगे, हालांकि ये दौरा चुनावी होगा, लेकिन जिस तरह से अभी आपने भी कहा और तस्वीरें भी देख रहे थे हम, जो नवंबर में उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा था, तो लगातार तीर्थ पुरोहितों की तरफ से कहा जा रहा था कि हम विरोध करेंगे, तो अगर 30 नवंबर तक कोई फैसला नहीं आया उनके हक में, तो क्या संभव माना जाए कि फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का ये विरोध कर सकते हैं तीर्थ पुरोहित? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि उसके लिए 30 तारीख का इंतजार करना बहुत जरूरी है कि आखिरकार तीर्थ पुरोहित 30 तारीख के बाद किस तरीके की कार्य योजना बनाते हैं, किस तरीके के आगे के फैसले लेते हैं। यदि उनके हक में फैसला आता है तो कहा जा सकता है कि सरकार का स्वागत और सम्मान जरूर वो करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर उनके हक में फैसला नहीं आता है तो आगे की क्या रणनीति बनाते हैं, चाहे वो चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाए या फिर पीएम नरेंद्र मोदी के राजधानी देहरादून के दौरे को लेकर। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उनके हक में फैसला आता है तो स्वागत करेंगे और हक में फैसला नहीं आता है तो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है भाजपा सरकार को, चाहे वो राजधानी देहरादून में हो या फिर केदारनाथ धाम में हो, बद्रीनाथ धाम में हो, गंगोत्री में हो या फिर यमुनोत्री धाम में हो। ये कहा जा सकता है कि इसका बड़ा खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ सकता है आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि तीर्थ पुरोहित एक बड़ा समाज है और बड़ी ये कहा जा सकता है जनसंख्या उन क्षेत्रों में है, उन लोगों की बड़ा वोट बैंक उन लोगों का है, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो और गंगोत्री यमुनोत्री, चारों धाम में एक बड़ा वोट बैंक वो रखते हैं तीर्थ पुरोहित। इसका खामियाजा ये कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि यदि फैसला हक में नहीं आता है तो सरकार को भुगतना पड़ सकता है। जी पारुल चलिए ठीक है सुभाष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहितों की तरफ से लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में लगातार आज भी काला दिवस तीर्थ पुरोहित मनाएंगे, रैली निकालेंगे, लगातार तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से समय मांगा गया है, सरकार का कहना है कि 30 नवंबर तक का समय हमारे पास है और 30 नवंबर को हम स्पष्ट कर देंगे कि क्या कुछ सरकार करने वाली है आगे, देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार का क्या फैसला है ये सरकार 30 नवंबर को बता देगी। लेकिन उसके बावजूद भी आज यानी कि 27 नवंबर को तीर्थ पुरोहित काला दिवस के रूप में मनाएंगे, लेकिन 30 नवंबर तक का इंतजार हर किसी को है कि सरकार आके तीर्थ पुरोहितों के हक में फैसला लेगी या तीर्थ पुरोहित अब इस फैसले से खुश नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।